ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है बेटा। इस लेक्चर में मैं जो है ना आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा बता दूं कैसे होता है। अब तक जो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड में आपने देखा था ना बेटा, वो जो डायग्राम थी मेटल फॉइल की, वो बेटा वो इस एटम के अंदर का पार्ट था। ठीक है बेटा, मेटल फॉइल पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये जो एटम है हमारे पास ऐसे होता है, जरा हम देख लेते हैं एटम कैसा होता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के जो है एटम कंसिस्ट करते तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में सॉरी, एक फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर, सेकंड पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज, द वेट ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अच्छा, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर पी और एन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसका जो वेट है वह एटम के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है न्यूक्लियस का। आप देख लेते हैं एटम के सेंटर में कहां पर है अभी। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, जो न्यूक्लियस से हटकर जो पार्ट है ना वो न्यूक्लियर पार्ट है एक्स्ट्रा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन वेरियस ऑर्बिट विच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स। देखिए बेटा, ये जो है ना, ये जो छोटा सा जो डॉट है काला कलर का, ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। एटम के सेंटर में जो एक डॉट है ना वो न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना जिसमें ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है डॉट 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 डॉट, जो ये शेल्स के अंदर ये जो गोल गोल बने हुए बेटे शेल्स है या ऑर्बिट्स है। ठीक है, और ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। अब देखिए बेटा, ये जो शेल्स होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, इनके कुछ नाम होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं बाहर, और अंदर में न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा बेटा, अब एक बात और सुनिए, जो हमारे पास पहला शेल है ना वो ये है, ये बना हुआ है न्यूक्लियस पूरा, देखिए लिखा हुआ है, और ये बेटा ये हमारे पास शेल है। जो पहला शेल है उसको हम कहते हैं के शेल, जो दूसरा शेल है उसको हम कहते हैं एल शेल, जो तीसरा शेल है उसको कहते हैं एम शेल, और इसके बाद चौथा एन ओ पी। इस तरीके से करते हुए शेल्स बन रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट करते हैं। तो बेटा इसी पुटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन वो होती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में पुट करते हैं। एन की वैल्यू 1 से लेकर 4 से लेकर 1 से लेकर 100 तक है। अब बेटा देखिए, 2n² से हम निकालेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट शेल का नाम k है। ठीक है बेटा, k, अगर फर्स्ट शेल का k है तो 1 वैल्यू पुट करूंगे फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 अंदर 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन पुट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पुट होंगे। तो देख लीजिए बेटा, इस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पुट है। अब सेकेंड शेल की बात करते हैं, एल, एल में होते हैं यानी कि एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सॉरी बेटा यहाँ पर 8 है। ठीक है, मिसप्रिंटिंग हो गई, 8 है, 2 4 8। अब देख लीजिए बेटा, ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसी तरीके से देख लीजिए, एम शेल में 3 3 9 9 2 18 18 इलेक्ट्रॉन थे। तो बेटा अब इसके जो ये वाला शेल है ना, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पुट होंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पुट करा है। क्यों? क्योंकि वो शायद एटॉमिक नंबर है जिसके जिसका जो एटॉमिक नंबर है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर एंड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब जैसे कि बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो देखा बेटा, सिर्फ इसका के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एल और एम शेल बनेंगे ही। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर और देखिए, पहला है हमारे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। पहले के शेल में 2 आ गए, एल शेल में 8 आ गए पूरे, 2 और 8 कितना होता है, 10। अब आखिर में जो एल शेल है ना, एम शेल सॉरी, उसमें 18 की गुंजाइश है ना, लेकिन उसमें सिर्फ 1 आएगा क्योंकि हमारे पास तो हमें पूरे 11 करने होते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम देखिए, 12 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इसका, पहले शेल में आते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी फिर एम शेल में आते हैं, सॉरी एल शेल में आते हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में अब आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन। अब इसी तरीके से देखिए बेटा, यहाँ पर ये वाले शेल तो पूरे पूरे 2 और 8 तो फुल है, ये वाले शेल बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? अभी हमारे पास चांस कितना है, 18 का। इसी तरीके से सोडियम का ये हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये वही चीजें।
ठीक है बेटा, आपकी समझ में आई? क्या करना है, ये वाला अगर पैराग्राफ कॉपी ना भी करे तो नहीं करेगा, बस यहाँ तक कर लीजिएगा। ये मेरा मकसद सिर्फ उसको समझाना था। अब इसी तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, सोडियम का क्या 11 है। आप एटम के ऊपर आ जाइए, एटम में फिलिंग करते हैं। KCl में क्या है, 2। तो देखिए बेटा मैंने 2 ऑलरेडी इसमें पुट करे हैं। एल शेल में क्या था, 8 भी इसमें ऑलरेडी पुट है। और आखिर में एम शेल में क्या, 1 है ना इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली कौन सा एटम हो गया, सोडियम का एटम हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज द एटम ऑफ द सोडियम। क्लियर है, यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम? न्यूक्लियस पता चल गया ना, जो एटम है गोल गोल इस तरीके से बना होता है, जो उसका सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है बेटा, वो न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आइसोटॉप्स में मैंने बताए थे क्या होता है, आइसोटॉप्स का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि जो गोल गोल बने हुए शेल्स, इस शेल्स पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये जो रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनकी कुछ कैटेगरीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ये ऐड होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर एन शेल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मैंने बताया था 1 की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, 2 की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, 3 की ऐसी, 4 से 4 की ऐसी पुट करेंगे हम। और इसके अलावा हम देख सकते हैं, फिर इसके बाद देखिए बेटे मेरे कुछ एटम्स के नाम दे दिए, एटम्स के एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए। जैसे कि आप ले लिए आर्गन का 18 होता है, पहले शेल में 2 आएंगे, फिर आखिर के एल शेल में 8 आएंगे, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब बाकी कितने रह गए, 18 और बाकी रह गए, और बाकी में एम शेल में आ सकते हैं, क्योंकि एम शेल में कितनी जगह है, 18 की, और ये बेटा 8 है, इसको 8 कर लिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आया लेक्चर से? आज हमारे चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है जो बहुत टफ है, मुझे पता है बेटा, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, एटम के बारे में जानना है क्या होता है, क्योंकि 2 चैप्टर ज्यादा मुश्किल है। ठीक है बेटा, तो आज ये चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।